ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ VCD नंबर 3246। मॉर्निंग क्लास डेटेड 26/1/1968। क्लैरिफाइड ऑन 14/5/2020। प्रातः क्लास चल रहा था 26 जनवरी 1968। द मॉर्निंग क्लास डेटेड 26 जनवरी 1968 वॉज गोइंग ऑन। शुक्रवार को दूसरे पेज की चौथी पांचवी लाइन में बात चल रही थी कि अभी तुम बच्चों को तो ख्याल में आ गया जो नई दुनिया होती है और पुरानी दुनिया होती है उनमें अंतर क्या है। वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑन द 4th-5th लाइन ऑफ पेज 2 ऑन फ्राइडे। नाउ इट सर्टनली केम इन द माइंड ऑफ यू चिल्ड्रन व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द न्यू वर्ल्ड एंड द ओल्ड वर्ल्ड इज। अंतर है कि नई दुनिया में सब कुछ नया और पुरानी दुनिया में सब कुछ पुराना, तमोप्रधान, दुखदायी। द डिफरेंस इज इन द न्यू वर्ल्ड एवरीथिंग इज न्यू एंड इन द ओल्ड वर्ल्ड एवरीथिंग इज ओल्ड, तमोप्रधान, सोरो गिविंग। अभी तो पुरानी दुनिया है ना। नाउ इट इज सर्टनली द ओल्ड वर्ल्ड, इजंट इट। और बाप आया हुआ है पुराने सच रूपी मकान को नया बनवाने के लिए। एंड द फादर हैज कम टू हैव द ओल्ड हाउस लाइक वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू वन। तो नई दुनिया तो जरूर होनी चाहिए ना। सो देयर शुड सर्टनली बी द न्यू वर्ल्ड, शुडंट देयर। अब कब होनी चाहिए? एक्यूरेट टाइम का तो कोई को पता नहीं है। नो वन नोज अबाउट द एक्यूरेट टाइम व्हेन इट शुड बी। किसी को ख्याल में थोड़ा ही होता है कि वो नई दुनिया कब बनेगी। नो वन हैज दिस थॉट व्हेन दैट न्यू वर्ल्ड विल बी क्रिएटेड। कोई को ख्याल आते में आता ही नहीं है। एक्यूरेट, नो वन थिंक्स अबाउट दिस एक्यूरेटली एट ऑल। अरे उस नई दुनिया के, उस टाइम की, उस घड़ी की, उस वर्ष और दिन की बात ही नहीं करते हैं। अरे दे जस्ट डोंट स्पीक अबाउट द टाइम, द मोमेंट, द ईयर एंड द डे ऑफ दैट न्यू वर्ल्ड। और अपना जो भागवत सुना, सो ही भागवत सुनाते हैं। दे जस्ट नरेट द भागवत दे हर्ड। चाहे बाहर की दुनिया वाले सुनाते हैं, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया वाले सुनाते हैं। सिंध हैदराबाद की भागवत की कथा। वेदर द पीपल ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड नरेटेड और द पीपल ऑफ द ब्राह्मिन वर्ल्ड नरेटेड द स्टोरी ऑफ भागवत ऑफ सिंध हैदराबाद। तो भागवत सुनाते हैं। सो दे नरेट द भागवत। जो सुना है सो ही सुनाते हैं। They narrate just what they have heard. और कोई गीता सुना है तो गीता सुनाते हैं। And if someone has heard the गीता, they narrate that. तो अपने उसमें जो सीखते हैं है, उसमें ही बिजी रहते हैं। So they just remain busy in what they have learned. अच्छा उसमें बिजी तो तुम भी थे।
अच्छा, यू टू वेर बिजी इन इट। ओम मंडली में गीता भी सुनते थे और भागवत में भी बिजी तो थे। यू यूज टू हियर द गीता इन ओम मंडली एंड यू वेर सर्टनली बिजी इन द भागवत एज वेल। और सभी जो बुजुर्ग हैं एंड ऑल द एल्डरली पीपल, अभी है ना, बूढ़ी बूढ़ी बुढ़ियाएं हैं, दे आर प्रेजेंट नाउ, aren't they? देर आर ओल्ड women. किन की बात हो रही? Whose topic is going on? है? अरे क्या सुन रहे हैं फिर? अरे देन वॉट आर यू लिसनिंग? बूढ़ी बूढ़ी बुढ़ियाएं हैं, कौन है, कौन की बात हुई? एक अक्षर लिखो। Who are the old women? About who was it said? Write one syllable. हाँ, दीदी दादियाँ। Student replies, Yes, the दीदीज and दादीज। तो जो बुजुर्ग हैं, बुढ़ियाएं हैं, वो सब बिजी थी। So, all the old people and old women were busy. किस बात में? इन वॉट? या तो गीता सुनने में बिजी थी, नंबर वार पुरुषार्थम सा, या तो भागवत। दे वर ईदर बिजी इन लिसनिंग टू द गीता नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर पुरुषार्थ और दे वर बिजी इन लिसनिंग टू द भागवत। अब देखो ये कहां थे बिजी। नाउ लुक वेर वेर दीज वंस बिजी। है कोई बच्चों की तरफ इशारा किया। ही हिंटेड टुवर्ड्स सम चिल्ड्रन। ये अपने हांगकांग में बिजी थे। दे वेर बिजी इन देयर हांगकांग। क्या हांगकांग क्यों नाम दिया? वॉट Why was the name Hong Kong given? Hong, hai mere ang, Kong, kahan hai mere ang? Hong means, oh my limbs, ang, and Kong means, where are my limbs? अपने अंगों की सुध-बुध साहब भूल गई, ऐसे मजे में आ गए। They were so delighted. That they just became unaware of their limbs. तो पूछा ये अपने हांगकांग में बिजी थे। So it was asked, they were busy in their Hong Kong. अभी तो देखते हैं कि नहीं, अभी तो बाप आया हुआ है और आकर के हम बच्चों को सभी को समझाया। नाउ दे सी, नो नाउ द फादर हैज कम एंड आफ्टर कमिंग ही हैज एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ अस चिल्ड्रन। क्या? वॉट? क्या बतो, ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। दैट नाउ दिस ओल्ड वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। किसकी बात कर रहे थे? अबाउट वॉट वॉज ही स्पीकिंग? हांगकांग की बात कर रहे थे। ही वॉज स्पीकिंग अबाउट हांगकांग। हाँ भाई, ये जो पुरानी दुनिया है ना, अंगों का मजा लेने वाली और साफ खलास होने वाली है कि बचेगी। नाउ ऑल दोज ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड हु एंजॉय प्लेजर थ्रू द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी are going to be destroyed or will they remain intact? कहाँ जाना है फिर? Then, where do you have to go? नई सतो प्रधान दुनिया में जाना है।
We have to go to the new Satopradhan world. अंगों का शोभा नहीं होगा। Won't the pleasure of the parts of the body exist there? सतयुग में राधा कृष्ण को सुख होगा कि नहीं आंखों का? Will Radha Krishna experience pleasure through the eyes in the golden age or not? आंख को अंग नहीं कहेंगे? Won't the eyes be called a part of body? तो ये क्यों कहा कि सत्व प्रधान दुनिया में चलना है और अंगों का शोभा नहीं होगा? Then why was it said we have to go to the सत्व प्रधान world and there won't be the pleasure of the parts of body there? हाँ, इसलिए कहा कि अभी तो अतीन्द्रिय सुख वाली दुनिया में जाना है। Student replies, yes, it was said because now we have to go to the world of super sensuous joy. या वो हांगकांग में याद आता रहेगा? Or will you keep remembering that Hong Kong? है? नहीं याद आएगा ना? You won't remember it, will you? है? क्यों? क्योंकि कहाँ अंगों का सुख? अंग जो शरीर के अंग हैं, ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां हो, वो ज्यादा ताकतवर, ज्यादा ऊंची होती हैं, या उनसे भी ऊंचा कुछ होता है? Why? Because there is such a difference between the pleasure of the parts of body. The parts of the body, whether they are the Gyanendriyan or the Karmendriyan, are they more powerful? Are they higher? Or is there something even higher than that? Kya hota hai? What is it? Kya hota hai? What is it? ज्ञान इंद्रियों से और कर्म इंद्रियों से ऊंचा क्या होता है? What is higher than the ज्ञान इंद्रिया एंड द कर्म इंद्रिया? अरे इंद्रियों से ऊंचा क्या होता है? है, अरे what is higher than इंद्रिया? मन बुद्धि। स्टूडेंट रिप्लाइज, द माइंड एंड द इंटेलेक्ट। यस, मन जो है वो सभी इंद्रियों पे कंट्रोल करता है ना? द माइंड कंट्रोल्स ऑल द इंद्रियां, डजंट इट? मन के बगैर तो कोई भी इंद्रिय कोई भी सुख नहीं भोग सकती। नो इंद्रिय कैन एक्सपीरियंस एनी प्लेजर विदाउट द माइंड। तो मन ही ऊंचा हुआ ना? सो द माइंड इटसेल्फ इज हाई, इजंट इट? और मन तो बड़ा बंदर है। एंड द माइंड इज सर्टेनली अ बिग मंकी। मन चंचल है या नहीं है? मन चंचल है। इज द माइंड इनकॉन्स्टेंट और नॉट? द माइंड इज इनकॉन्स्टेंट। तो जब चंचल मन है तो वो चंचलता करके फिर वो हांगकांग की दुनिया में जाएगा कि नहीं जाएगा? सो व्हेन द माइंड इज इनकॉन्स्टेंट विल इट बिकम इनकॉन्स्टेंट एंड गो इन द वर्ल्ड ऑफ हांगकांग और नॉट? नहीं जाएगा। Won't it go there? Oh, तो बहुत चंचल, कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है? It is certainly very inconstant. It reaches anywhere. तो बताया उसको कंट्रोल करने वाली जो ताकत है वो है बुद्धि। So it was said the power that controls it is the intellect. है? वो बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। The intellect controls the mind. क्यों? वो ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई? Why? How did it become more powerful? अरे बुद्धिमानों की बुद्धि जब आता है तो उसी त्रिनेत्री को सारी बुद्धि देता है। अरे when the intellect of the intelligent one comes, he gives the entire wisdom to that very त्रिनेत्री। क्या? एक को देता है या अनेक को देता है? What? Does he give it to one person or to many? ऊपर वाले को देता है। Student replies,
डज ही गिव इट टू द वन हु स्टेज अबव? किस को देता है? होम डज ही गिव इट टू? हाँ, जो मुकर्रा था दारी है ना, अर्जुन कहो, त्रिनेत्री शंकर कहो, वो भी पार्ट बजाता है ना? स्टूडेंट रिप्लाइज, यस, द वन हु वेयर्स द परमानेंट चैरियट, कॉल हिम अर्जुन और त्रिनेत्री शंकर, ही टू प्लेज अ पार्ट, डजंट ही? तो बताया, अभी ये पुरानी दुनिया अंगों का सुख देने वाली तो खत्म होनी है। सो इट वॉज सेड, नाउ दिस ओल्ड वर्ल्ड विच गिव्स द प्लेजर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विल बी फिनिश्ड। अभी तो अंगों से परे, ज्ञान इंद्रियों से भी परे, कर्म इंद्रियों से भी परे, अतीन्द्रिय सुख की दुनिया में जाना है। नाउ यू हैव टू गो टू द वर्ल्ड ऑफ सुपर सेंशियस जॉय which is beyond the parts of the body, that is, even beyond the Gyanendriya and the Karmendriya. तो ज्यादा powerful सुख होगा या कम powerful होगा? So will that joy be more powerful or will it be less powerful? ज्यादा गहरा सुख होगा या क्षणभंगुर महसूस होगा? Will there be deeper happiness or will you experience it for a short time? स्टूडेंट रिप्लाइज, यस, उससे जास्ती ऊंचा तो कोई सुख दुनिया में हो ही नहीं सकता। देयर कैन बी एनी हैप्पीनेस हायर देन दैट इन द वर्ल्ड एट ऑल। तो ऐसी नई सत्व प्रधान दुनिया में चलना है। सो यू हैव टू गो टू सच अ न्यू सत्व प्रधान वर्ल्ड। किनको? इनको, उनको, किनको चलना है? Who? Is it these ones, इनको, those ones, उनको, और who has to go there? हाँ? अरे बता, मैं लिखा हूँ ना, ऊपर वाले को चलना है। अरे tell me, won't you? Write it. Does the one who stay above have to go? किनको चलना है? Who has to go? है? पहले क्या लिखा? Student replies, first, what have you written? पहले को चलना है। The first one has to go. और कोई को नहीं चलना है? No one else has to go. बस पहला है, एक ही सुख भोगेगा, अतीन्द्रिय सुख, पहले आप ही भोगेंगे। विल जस्ट द नंबर वन सोल एक्सपीरियंस हैप्पीनेस द सुपर सेंशियस जॉय? स्टूडेंट रिप्लाइज, विल जस्ट द एट सोल्स एक्सपीरियंस हैप्पीनेस फर्स्ट? है? अरे आठ के अलावा जो 108 होंगे वो अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगेंगे, इंद्रियों का सुख भोगेंगे। अरे won't the 108 souls other than the 8 souls experience the super sensuous joy? Will they experience the pleasure of the indriya? हाँ। स्टूडेंट replies, yes। अरे आदि लक्ष्मी और आदि नारायण, हाँ, और उनकी जो भी रचना है वो सब अतीन्द्रिय सुख। अरे आदि लक्ष्मी एंड आदि नारायण एंड ऑल देयर क्रिएशन विल एक्सपीरियंस द सुपर सेंशियस जॉय। क्यों? Why? क्योंकि राजयोगी है ना, उन्होंने राज को जान लिया ना। इट इज बिकॉज दे आर राजयोगीज, aren't they हैव अंडरस्टूड द सीक्रेट, haven't they? क्या राज जाना? विच सीक्रेट हैव दे अंडरस्टूड? कि हम ऊंचते ऊंच बाप की संतान हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द हाई फादर। कौन ऊंचते ऊंच? विच हाईएस्ट ऑफ द हाई फादर? ऊंचते ऊंच तो सूर्य ही है, तो चैतन्य सूर्य, जड़ सूर्य।
Only sun is the highest of the high. Is it the living sun or the inert sun? चैतन्य सूर्य है। He is the living sun. वो चैतन्य सूर्य जो ऊंचे से ऊंचे है वो तो पुरुषोत्तम संगम युग में ही पार्ट बजाता है। That living sun who is the highest of the high, he plays a part only in the Purushottam confluence age. बाकी पूरी चतुर्युगी में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला कौन है? As for the rest, who is the one who plays an all-round part in all the four ages? जिसके साथ हम ऊंचे के ऊंचा सुख भोगेंगे और जो कम कुरी के ब्राह्मण हैं वो उतना सुख नहीं भोग सकते। The one with whom we will experience the highest of the high happiness. And the Brahmins who belong to the lower categories can't experience happiness to that extent. भोगेंगे? Will they experience it? नहीं भोग सकते। They can't. जन्म जन्मांतर या सिर्फ पुरुषोत्तम संगम की बात? Is it about many births or of the पुरुषोत्तम confluence age alone? है? अरे जन्म जन्मांतर भी सत्य सनातन धर्म में रह करके श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कन्वर्ट होने का सुख भोगेंगे दूसरे धर्मों में या नॉन कन्वर्टेड अपने धर्म में पक्का रहने का सुख भोगेंगे? अरे while staying in the true ancient religion, even for many births, will they experience the happiness of being converted to other religions? Or will they experience the happiness of staying firm in their own religion by being non-converted? जो दूसरे धर्म कन्वर्ट हो जाते हैं वो तो आधीन हो जाते हैं दूसरों के। Those who convert to other religions, in fact they become dependent to others. पराधीन हो गए ना? They became dependent to others. पराधीन, didn't they? अब पराधीन के लिए तो शास्त्रों में भी देखो लिख दिया है पराधीन सपने सुख नाही कर दिगा विचार देखो मन माही। Now look, for पराधीन it has been written in the scriptures as well. पराधीन सपने सुख नाही कर विचार देखो मन माही। अच्छी तरह से सोच विचार के देख लो जो पराधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख वो नहीं हो सकता जिसके पराधीन। Meaning, think well and see. The one who is subordinate can't find happiness even in his dreams. तो कैसा होना चाहिए? So, how should you be? स्वाधीन होना चाहिए ना? You should be independent. स्वाधीन, shouldn't you? और स्वाधीन माना ही राजयोगी। And स्वाधीन itself means a राजयोगी। जो योगी हैं वो योग बल से राजयोग सीख करके राजा बनते हैं। Those who are yogi, they learn राजयोग through the power of yoga and they become kings. राजा किसी के अधीन होता है? Is a king dependent on anyone? है? राजा किसी के अधीन नहीं। A king isn't dependent on anyone. और राजवंश के जो बच्चे हैं एंड द चिल्ड्रन ऑफ द रॉयल क्लैन राज परिवार में पैदा होने वाले बच्चे होते हैं ना? हाँ। देर आर चिल्ड्रन बॉर्न इन द रॉयल फैमिली aren't there? Yes. वो 16,000 बच्चे भी क्या अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे या नहीं भोगेंगे? इवन दो 16,000 चिल्ड्रन वॉट Will they experience supersensuous joy or not? नहीं भोगेंगे। हाँ, वो भी भोगते। Won't they experience it? Yes, they will also experience it. तो ऐसी नहीं सतोप्रधान दुनिया में चलना है। So, you have to go to such a new सतोप्रधान world. तो, वहाँ सभी तो नहीं चलेंगे ना? So, not everyone will go there, will they?
सभी चलेंगे, सब ने 500-700 करोड़ थोड़ी चलेंगे। विल एवरीवन गो देयर? नॉट एवरीवन। द 5-7 बिलियन सोल्स वोंट गो देयर एट ऑल। अच्छा उनकी बात छोड़ दो। अच्छा लीव देयर टॉपिक। जो कन्वर्ट होने वाले देवताएं हैं, द डेटीज हु कन्वर्ट, 33 करोड़ देवताएं कहे जाते हैं, 330 मिलियन डेटीज आर प्रेज्ड। उनमें कन्वर्ट होने वाले भी होंगे ना? देयर विल ऑल्सो बी दोज हु कन्वर्ट टू अदर रिलीजन्स अमंग देम, वोंट देयर? वो जाएंगे। विल दे गो? वो भी नहीं जा सकते क्योंकि कन्वर्ट हो जाते हैं। इवन दे कांट गो देयर बिकॉज दे कन्वर्ट। तो सभी नहीं चलेंगे। सो नॉट एवरीवन विल गो देयर। अरे ये भी नहीं चलेगा। कौन? अरे दिस वन वोंट गो ईदर। हु? कौन नहीं चलेगा? हु वोंट गो? ये ब्रह्मा भी नहीं चलेगा। ये कहाँ जाएगा? दिस ब्रह्मा वोंट गो ईदर। वेयर विल ही गो? ये भी कलाबद्ध है। ही इज ऑल्सो कलाबद्ध, मीनिंग बाउंड इन सेलेस्टियल डिग्रीज। सोल है कला संपूर्ण, जो चंद्रमा है ना? द मून इज कम्प्लीट विथ 16 सेलेस्टियल डिग्रीज, इजंट इट? उसी में रहेगा। ही विल जस्ट रिमेन दैट। अपनी सीमा से बाहर चला जाएगा क्या? विल ही गो बियॉन्ड हिज लिमिट्स? प्रवेश होके अपना शरीर होता है। स्टूडेंट रिप्लाइज बाय एंटरिंग। डज ही हैव हिज ओन बॉडी? शरीर होता है उसको अपना। डज ही हैव हिज ओन बॉडी? जो पहले ही भूत प्रेत बन गया। और डिड ही ऑलरेडी बिकम अ गोस्ट अ स्पिरिट? स्टूडेंट रिप्लाइज यस। तो जब शरीर नहीं तो फिर ऑलराउंड पार्ट भी? सो व्हेन ही डजंट हैव अ बॉडी द ऑलराउंड पार्ट टू? पार्ट होता है ऑलराउंड? डज ही हैव एन ऑलराउंड पार्ट? ऑलराउंड पार्ट भी नहीं। हाँ सिर्फ गायन है कि भाई मुकर्रर रख। ही डजंट हैव एन ऑलराउंड पार्ट ईदर। यस देयर इज जस्ट द प्रेज ब्रदर द परमानेंट चैरियट। अतीन्द्र सुख भोगने का जब टाइम आता है तो वहां प्रवेश करके वो क्या नाम जो चंद्रमा है वो अपना शरीर रहते रहते प्रवेश करेगा क्या? When the time to experience the supersensuous joy comes, he enters and will the moon enter the permanent chariot while being alive? सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत होते हैं क्या? Are the subtle bodied beings, that is, ghosts and spirits present there? होते हैं? Are they present? नहीं, वो आत्मा तो आत्मिक स्टेज में रहेगी लेकिन अपना शरीर तो उसको है ही नहीं। No, that soul will remain in the soul conscious stage. But he doesn't have his own body. जैसे शिवों को अपना शरीर है। Just like, does Shiv have his own body? शिवों को भी अपना शरीर नहीं। Shiv doesn't have his own body either. तो ऑल राउंड पार्ट बजा सकेगा? So, can he play an all round part? नहीं, तो ऐसे ही वो ब्रह्मा की आत्मा के भी 50 साल कम हो जाते हैं कि नहीं? शरीर से? नो। सो सिमिलरली डज दैट सोल ऑफ ब्रह्मा ऑल्सो हैव 50 इयर्स लेस थ्रू द बॉडी और नॉट? तो नहीं कहेंगे कि ऑल राउंड पार्ट बजाने वाली आदमी। इट वोंट बी सेड दैट ही इज द सोल who plays an all-round part. जो 50 साल कम हो गए वो अतीन्द्रिय सुख में से कट हो गए कि नहीं?
The 50 years that he fell short of, were they cut from the period of the supersensuous joy or not? Yes. तो ऐसे भी नहीं. So it isn't like that either. हाँ, इतना भी नहीं है कि सभी मुक्ति धाम में जाके बैठ जाए. Yes, it isn't that everyone will go and sit in Mukti Dham, meaning the abode of liberation. ये भी नहीं हो सकता है उन 50 सालों में. Even this can't happen in those 50 years. कौन से मुक्ति धाम में? In which Mukti Dham? वो 50 साल में जो मुक्ति धाम तुम बच्चे ऊपर से नीचे उतार लेते हो, उतारते हो कि नहीं? द मुक्ति धाम दैट यू चिल्ड्रन ब्रिंग डाउन फ्रॉम अबव इन 50 ईयर्स, डू यू ब्रिंग इट डाउन और नॉट? उसमें सब बैठ जाएंगे? विल एवरी वन सिट इन दैट मुक्ति धाम? नहीं. नो. टाइम आगे पीछे बनेगा कि नहीं बनेगा? विल द टाइम फॉर एवरी वन डिपार्चर बी डिफरेंट और नॉट? है क्या 1969 से 1950 तक? स्टूडेंट रिप्लाइज, वॉट इज इट फ्रॉम 1969 टिल 1950? 2019 में 50 साल पूरा हुआ. वेर 50 ईयर्स कम्प्लीटेड इन 2019. अच्छा, 2019 में 2019 में 50 साल पूरा हुआ तो 8 की लिस्ट के बाद नंबर पड़ा या 108 की लिस्ट के बाद नंबर पड़ा या राजयोग सीखा सन्मुख बैठ करके? अच्छा, इफ 50 ईयर्स वर कम्प्लीट इन 19 If 50 years were completed in 2019, will his number come after the list of 8 souls, or will his number come after the list of 108 souls, or will he learn Raj Yoga sitting face to face? Sikha? Did he? जब राज योग ही नहीं सीखा, तो आधीन रहा या स्वाधीन बना? When he didn't learn Raj Yoga at all, did he remain dependent, or did he become independent? आधीन रहा ना, और आधीन में भी दो प्रकार की सहयोगी होते हैं. He did remain dependent, didn't he? And even in being dependent, there are two kinds of helpers. एक तो righteous. One is righteous. Righteous बुझाएं होती है कि नहीं? और दूसरी? Are there the righteous arms or not? And the other? Those are leftist Buddha. The other kind is the leftist arms. तो जो leftist भुजाएं हैं, वो तो फिर क्या कहेंगे उनको? So, what will the leftist arms be called? ज्यादा श्रेष्ठ हुई. Are they more elevated? नहीं श्रेष्ठ हुई ना. They aren't elevated, are they? तो कैटेगरी कम हो जाती है. ब्रह्मा सरस्वती की कैटेगरी कम होगी कि नहीं? So their category decreases. Will Brahma and Saraswati go in a lower category or not? जो सहयोगी बनेंगे विष्णु के, उनकी कैटेगरी कम हुई कि नहीं? Did the category of those who become the helpers of Vishnu degrade or not? हाँ, उन दो की कैटेगरी उनके मुकाबले, कौन के मुकाबले? Yes, the category of those two souls compared to whom? वो जो विष्णु में तीन आत्माएं हैं. Compared to the three souls in Vishnu. एक तो सर्वोत्तम जो सभी भुजाओं को कंट्रोल करती है, दूसरी वो जो ऊंची स्टेज का पार्ट बजाती है,
अब तीसरी वो जो नीचे कमल दिखाया गया है। वन इज द सर्वोत्तम मीनिंग द मोस्ट एलिवेटेड हु कंट्रोल्स ऑल द आर्म्स एंड द सेकेंड इज द वन हु प्लेज द पार्ट हु प्लेज अ हाई पार्ट एंड द थर्ड इज द वन हु इज शोन बिलो इन द फॉर्म ऑफ अ लोटस। कहाँ रहता है? वेयर डज इट लिव? कीचड़ में रहता है ना, तो थर्ड क्लास नंबर हुआ या ऊंचे से ऊंचा नंबर हुआ? इट लिव्स इन माया डजंट इट, सो डज इट हैव द थर्ड क्लास नंबर और द हाईएस्ट नंबर? लक्ष्मी कहाँ पार्ट बजाएगी? वेयर विल लक्ष्मी प्ले अ पार्ट? ऊंची स्टेज में या कीचड़ में रहेगी? ऊंची स्टेज। विल शी रिमेन इन अ हाई स्टेज और विल शी लिव इन माया? She will remain in a high stage. तो ऐसे भी नहीं है कि उस मुक्ति धाम में सब जाकर के बैठ जाएंगे सदा काल के लिए। So it isn't that everyone will go and sit in that मुक्ति धाम forever. नहीं, नंबर बार बैठेंगे कि एक जैसे बैठेंगे? No, will they sit number wise or will they sit alike? नंबर वार ही बैठेंगे, कोई तो अपने शरीर के साथ ही शरीर होगा लेकिन स्मृति नहीं होगी और कोई को तो शरीर होगा ही नहीं। स्टूडेंट रिप्लाइज, यस दे विल डेफिनेटली सिट नंबर वाइज, सम विल सिट अलोंग विद देयर बॉडी, द बॉडी विल बी प्रेजेंट बट देयर वोंट बी द अवेयरनेस ऑफ द बॉडी एंड सम वोंट इवन हैव देयर बॉडी। तो ये भी नहीं हो सकता है कि सब मुक्ति धाम में जाके बैठ जाए। सो दिस डेफिनेटली कांट हैपन दैट एवरीवन गोस एंड सिट इन मुक्ति धाम, क्योंकि है जो प्रलय है वो तो होती है कि नहीं? इट इज बिकॉज इज देयर प्रलय और नॉट? प्रलय मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एट द एंड ऑफ द कल्पा। और प्रलय होने से पहले कुछ आत्माएं अतीन्द्र सुख की स्टेज में पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती? एंड बिफोर प्रलय डू सम सोल्स रीच द स्टेज ऑफ एक्सपीरियंसिंग द सुपर सेंशियस जॉय और नॉट? है, पहुंचती हैं। दे डू। लेकिन लास्ट में तो प्रलय हो पड़ती है ना? But the prelay certainly happens at the end, doesn't it? नहीं हो पड़ती? Doesn't it happen? हो पड़ती। It does. तो ऐसे कायदा भी नहीं है, है कि सब जाकर के मुक्ति धाम में बैठ जाए एक साथ। So this isn't the rule that everyone will go and sit in मुक्ति धाम at the same time. तो ये बुद्धि बच्चों में है। कौन से बच्चों में? सो द चिल्ड्रन हैव दिस विजडम। विच चिल्ड्रन? जो बाप के सन्मुख बैठ करके राजयोग सीखते हैं अपने शरीर से। दोज़ हू सिट फेस टू फेस विद द फादर थ्रू देयर बॉडी एंड लर्न राजयोग। शरीर से सिर्फ? किस आकार शरीर से भी? आर दे सन्मुख जस्ट थ्रू द सटल बॉडी और थ्रू द फिजिकल बॉडी एज वेल? सन्मुख कब कहा जाता है? वेन इज समवन कॉल्ड सन्मुख? साकार शरीर के साथ सन्मुख कहा जाता है कि सूक्ष्म शरीर से सन्मुख कहा जाता है? इज ही कॉल्ड सन्मुख थ्रू द फिजिकल बॉडी और इज ही कॉल्ड सन्मुख थ्रू द सटल बॉडी? सूक्ष्म शरीर से तो सन्मुख कहा ही नहीं जा सकता, वो तो हवा है, अभी अभी यहाँ बह रही है, अभी पता नहीं हवा कहाँ चली जाती है। ही कांट बी कॉल्ड सन्मुख थ्रू द सटल बॉडी एट ऑल, इन फैक्ट ही इज विंड, जस्ट नाउ इट इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड द नेक्स्ट मोमेंट नो वन नोज वेयर इट गोज।
अब भूत प्रेतों को हवा का आ जाता है ना, तो अभी अभी पता नहीं कहाँ के कहाँ मारे चले जाते हैं। Ghosts and spirits are called wind, aren't they? You don't come to know where they go in a fraction of a second. तो बुद्धि में है बरोबर है कि अभी सतयुग से लेकर के ये कलयुग के बाकी थोड़ा सा समय बचा है। So it is certainly in your intellect that now from the period of the golden age till the end of the iron age very little time is left. है जिसके लिए तुम थोड़ा समय भी क्यों है तुम बच्चों के लिए इस संगम युग पर। Why is even this little time left for you children in this confluence age? अरे बच्चे कहते हैं जब हम बाप के बने हेवनली गॉड फादर के बने तो अभी हम हेवन में होना चाहिए ना। अरे द चिल्ड्रन से व्हेन वी बिलोंग टू द फादर हेवनली गॉड द फादर वी शुड बी इन हेवन राइट नाउ शुडंट वी। अरे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि नहीं हाँ अभी हेवन में होना चाहिए। अरे डू द चिल्ड्रन थिंक लाइक दिस और नॉट दे थिंक यस We should be in heaven now. तो उनके लिए थोड़ा समय अभी क्यों है नंबर वन। So now, why is little time left for those children number wise? है या नहीं? Is it or not? हाँ, इसलिए है कि पूरी आत्मिक स्थिति में सब एक साथ तो स्थिर हो जाते हैं। Yes, it is because does everyone become stable in the complete soul conscious stage at the same time? एक साथ स्थिर हो जाते हैं। Do they become constant at the same time? नहीं। No. कोई पहले, कोई बाद में। Some become stable first and some later. कोई की प्रैक्टिस पहले बन जाती है एक सेकंड में निराकारी एक सेकंड में साकारी एक सेकंड में आकारी कोई की बाद में बनेगी कि सबकी एक साथ बनेगी। Someone's practice becomes firm first, they become incorporeal in a second, corporeal the next second and subtle the next second. Some will attain that stage later. Or will everyone attain it at the same time? एक साथ बनेगी। Student replies, will they attain it at the same time? हाँ, number wise बनेगी। Student replies, yes, they will attain it number wise. नहीं तो संगम युग किसको मालूम भी नहीं होता है। Otherwise. No one knows about the confluence age at all. है? Accurate time का किसी को पता नहीं होता। No one knows the accurate time at all. है? अभी देखो पुरुषोत्तम संगम युग किसी को भी मालूम नहीं था। Now look, no one knew about the पुरुषोत्तम confluence age. कब की बात? When is it about? अरे 100 वर्ष का संगम युग है उसमें पुरुषोत्तम संगम युग सबको मालूम था। अरे this confluence age which is of 100 years did everyone know about the पुरुषोत्तम confluence age? किस समय की बात? It is about which period? से पहले। स्टूडेंट रिप्लाइज इज इट बिफोर 68? 68 के बाद 69, 70, 71, 72 में नहीं। इज इट आफ्टर 68? इजंट इट इन 69, 70, 71, 72? उस समय सबको मालूम था। डिड एवरीवन नो एट दैट टाइम? क्यों नहीं मालूम था? व्हाई डिडंट दे नो? कारण? What is the reason?
अरे कोई कारण होगा कि नहीं? अरे विल देयर बी सम रीजन और नॉट? क्या कारण? व्हाट इज द रीजन? अरे हाँ, क्योंकि पुरुषोत्तम जो संगम युग है, जब तक पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम पार्टधारी का पार्ट प्रत्यक्ष न हो तो कैसे पुरुषोत्तम संगम युग कहेंगे? अरे स्टूडेंट रिप्लाइज, यस, अंटिल देयर इज द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज, अंटिल द पार्ट ऑफ द पुरुषोत्तम एक्टर, द बेस्ट अमंग ऑल द सोल्स इज रिवील्ड, हाउ विल यू कॉल इट द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज? भले वो आत्मा 76 से पहले ही आ जाती है ज्ञान में मुकर्रर रथधारी, लेकिन ऐसे तो नहीं कहेंगे कि पुरुषों में उत्तम बन गई। Although that soul bearing the permanent chariot comes in knowledge before 76, it won't be said that he became elevated uttam among the souls. Purush. बन गई क्या? Did he become that? नहीं, आखिर 76 से पहले दीदी दादी दादाओं की भक्ति करनी पड़ती है कि नहीं? No. Does he have to worship the didis, dadis and dadas before 76 or not? भगत है कि ज्ञानी है? भगत है। Till then, is he a devotee or a knowledgeable person? He is a devotee. तो बताया, पुरुषोत्तम संगम युग किसको भी मालूम नहीं था। So it was said, nobody knew about the Purushottam confluence age. अब तुम बच्चों को मालूम होता है, नंबर वार पुरुषार्थम सर। Now you children know it number wise according to your पुरुषार्थ। तो मास वास गिनते थे, कई वर्ष भी गिनते थे। So they used to count the months and years. कोई कोई गिनते, सम यूज टू काउंट देम। बाकी युग, ये पुरुषोत्तम संगम युग किसी को पता नहीं था। बट नो वन न्यू अबाउट दिस एज, द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज। मालूम ही नहीं, दे जस्ट डिडंट नो अबाउट इट। अभी तुम बच्चों को ये सबूक सभी कुछ मालूम हुआ है। Now your children have come to know everything. कि अभी पुरानी दुनिया और नई दुनिया का है, दोनों के बीच का ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग जिसे कहें, बहुत कल्याणकारी है। This confluence age between both, the old world and the new world, which you call the Purushottam confluence age, is very beneficial. चार युग है ना? There are the four ages, aren't there? दुनिया में सभी को पता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर कलयुग। Everyone in the world knows about the golden age, the silver age, the copper age and the iron age. इन चारों युगों से सबसे ऊंचा युग कौन सा हुआ? Among these four ages, which is the most elevated age? पुरुषोत्तम संगम युग। The पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज। इसकी यादगार कोई है भक्ति मार्ग में? Is there any यादगार of it in the path of bhakti? भूल गए। है? लो। You forgot? लो। अरे संगम युग में जो कुछ भी घटित होता है उसकी यादगार तो होती है ना? अरे वॉट एवर हैपन्स इन द कॉन्फ्लुएंस एज, सम यादगार इज मेड फॉर इट, इजंट इट? है? अरे सारा लिखने की जरूरत नहीं होती है। अरे यू डोंट नीड टू राइट एवरीथिंग। हाँ पुरुषोत्तम मास। Student replies, yes, the intercalary month, Purushottam Mas.
जो पुरुषोत्तम मास होता है ना, देयर इज द इंटरकैलरी मंथ इजंट देयर। जैसे मास होता है साधारण और फिर एक होता है पुरुषोत्तम मास। जस्ट लाइक देयर इज एन ऑर्डिनरी मंथ एंड देन देयर इज द इंटरकैलरी मंथ। मान लो चैत्र मास है, सपोज देयर इज द चैत्र मास मीनिंग द फर्स्ट मंथ लूनर ऑफ द हिंदू ईयर द फुल मून ऑफ विच इज इन द कॉन्स्टेलेशन चित्र मार्च अप्रैल। तो चैत्र मास में एक अधिक मास जब होता है हर चौथी साल है, कोई न कोई मास में होता है, तो फिर उसको श्रेष्ठ मानेंगे अधिक वाले को, या जो अधिक नहीं माना जाता है उसको श्रेष्ठ मानेंगे। सो व्हेन देयर इज अ इंटरकैलरी मंथ अधिक मास एवरी फोर्थ ईयर इन द चैत्र मास देयर इज एन एडिशन इन सम और द अदर मंथ। So will that intercalary month be considered elevated or the month that isn't considered intercalary month be considered elevated? तो जो अधिक मास है वो श्रेष्ठ मास माना जाता है। Student replies, yes. So the intercalary month is believed to be an elevated month. उस मास में है जिनका जन्म होता है, जो जानकारी में आते हैं दुनिया वालों को, जन्म होना माने प्रत्यक्ष होना। Those who are born in that month, they are known to the people of the world. To be born means to be revealed. तो जिनका जन्म होता है वो आत्मा है, पुरुषोत्तम संगम युग में भी श्रेष्ठ मानी जाती है ना। So the souls who are born in that month are considered to be elevated even in the Purushottam confluence age, aren't they? Hai to number wise. Yes. But they are certainly number wise. To uski yadgar mein ye Purushottam mas bhi hai. Bhakti marg mein gaya jata hai. So there is this Purushottam month in its yadgar. It is praised in the path of bhakti. So ये बहुत कल्याणकारी युग है, जैसे पुरुषोत्तम मास बहुत कल्याणकारी मानते हैं। So this is a very beneficial age. Just like they consider the पुरुषोत्तम मास to be very beneficial. मुसलमानों में भी मानते हैं कि नहीं? Do the Muslims also believe some month to be elevated or not? Kaun sa? Which month? Kaun sa? Which month? Ramzan ka mahina. Student replies, yes, the month of Ramzan. The ninth month of the Muslim calendar. When the fast is observed. ये तो मेरी जान है, कौन? He is certainly my jaan, meaning beloved. Who? कृष्ण जान? अरे कृष्ण जान नहीं, कृष्ण जान, कृष्ण द बिलवेड वन, अरे नॉट कृष्ण जान, कौन? Who? राम जान। हाँ राम जान, यस। ये राम तो मेरी जान है। दिस राम इज सर्टेनली माई बिलोवेड। और सिखों में भी? एंड इवन अमंग द सिक्स? सिखों को भी राम की मान्यता ज्यादा है या कृष्ण की, राधा की ज्यादा मान्यता है? डू द सिक्स बिलीव मोर इन राम और डू दे बिलीव मोर इन कृष्ण इन राधा? किसकी मान्यता है? इन होम डू दे बिलीव मोर? राम की मान्यता है। दे बिलीव मोर इन राम। मुकर्रर रथधारी है ना, इसलिए। इट इज बिकॉज ही इज द परमानेंट चैरियट, इजंट ही? तो ये तो बड़ी चेंज हो जाती है। सो देयर इज सर्टेनली अ बिग चेंज हियर।
कहाँ? वेर? पुरुषोत्तम संगम युग में, जिसकी यादगार पुरुषोत्तम मास मनाते हैं। इन द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज द यादगार ऑफ विच इज सेलिब्रेटेड एज द पुरुषोत्तम मंथ। अरे बड़ी चेंज होती है। अरे अ बिग चेंज टेक्स प्लेस। क्या परिवर्तन होता है? व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस? अरे कलयुग से लेकर के सतयुग तक ऐसा पुरुषोत्तम युग में जन्म लेने वालों का क्या? अरे फ्रॉम द आयरन एज टिल द गोल्डन एज दोज हु आर बॉर्न इन दिस पुरुषोत्तम एज व्हाट? बल्ले बल्ला है कि नहीं? इज इट अ ग्रेट जॉय फॉर देम और नॉट? हाँ यस, बहुत चेंज हो जाती है औरों के मुकाबले। देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज फॉर देम कंपेयर्ड टू अदर्स। अच्छा फिर भी जो बाकी हैं? अच्छा स्टिल दोज हु आर लेफ्ट। क्या? व्हाट? वो शांति धाम में जाते हैं। कौन? दे गो टू शांति धाम। हु? कौन और कितने? हु एंड हाउ मेनी? अरे बताओ भाई। अरे टेल मी ब्रदर। बाकी कौन है? हाउ मेनी आर लेफ्ट? 5 से 7 अरब। द 5 to 7 बिलियन। 500 करोड़ से लेकर के 7-7.5 करोड़ जो भी हैं, वो बाकी हो गए ना? फ्रॉम 5 बिलियन to 7 to 7.5 बिलियन ऑल दोज सोल्स आर द रिमेनिंग वंस aren't they? वो सब बाकी जो बचते हैं है, पूरे 7.5 अरब या उसमें से कुछ कम? ऑल दोज हु आर लेफ्ट आर दे द कंप्लीट 7.5 बिलियन सोल्स और आर दे फ्यूअर देन दैट? कितने कम? हाउ फ्यू आर दे? है क्या लिखा? टू द स्टूडेंट आई डोंट नो व्हाट यू हैव रिटन। नौ लाख 900,000। अच्छा 9 लाख अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। अच्छा डू द 900,000 सोल्स एक्सपीरियंस द सुपर सेंशियस जॉय? अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं अपने शरीर से? Do they experience the super sensuous joy through their body? नहीं भोगते ना? They don't. Do they? मना 4.5 लाख। सवा 2 लाख रह गए। It means the 450,000 souls student comments. 250,000 souls are left. एकदम घट गए। You reduce the number completely. माने 4.5 लाख कम, जो भी दुनिया की आबादी है उसमें 4.5 लाख कम कर दो। अगर 7 अरब है तो 4.5 लाख कम कर दो, 7.5 मानो तो भी 4.5 लाख कम कर दो। इट मीन्स माइनस 450,000, टेक आउट द 450,000 फ्रॉम एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। इफ देयर इज द पॉपुलेशन ऑफ 7 बिलियन सोल्स, टेक अवे 450,000 फ्रॉम देम, एंड इफ इट इज सपोज टू बी ऑफ 7.5 बिलियन, इवन देन टेक अवे 450,000 फ्रॉम देम।
तो उनको कम करेंगे तो इतने जो हैं वो फिर शांति धाम में चले जाते हैं। इफ यू रिड्यूस देम द नंबर ऑफ सोल्स हु आर लेफ्ट विल गो टू शांति धाम। ओम शांति ओम शांति।